नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास पेशकश में। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आजकल एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। जगह जगह जाकर मुख्यमंत्री धामी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें विधायक समेत जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जनता से फीडबैक लिया गया है और उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे से लेकर सीएम आज फिर सख्त दिखे। उन्होंने बैठक में वन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वन भूमि पर जो अवैध कब्जे हैं और लैंड जिहाद के रूप में जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, उसके लिए वन विभाग और प्रशासन को उन सभी कब्जों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। क्या है कि हम लोगों को कौन कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करना है, किस किस दिशा में कितना काम करना है, और जो जनता से फीडबैक हैं उनके संबंध में कुछ अधिकारीगणों से और सबसे चर्चा करने के बाद सभी का समाधान भी निकालना है, और कुछ जो वन भूमि पर अवैध कब्जे हैं, अवैध जो एक बड़ा पीछे से षड्यंत्र लैंड जिहाद के रूप में मजार के रूप में जो आ रहा है, उस पर भी जो हम लोगों ने तय किया है कि इन सबको प्रशासन विधि पूर्वक सबको हटाएगा, तो उस पर भी चर्चा होनी। लेकिन सर, कहने के प्रशासन हो गया, वन विभाग इन आंख मूंदे, पहले आंख मूंदे रहे, फिर अवैध अतिक्रमण हो गया, तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन नहीं, जो जिम्मेदार देखिए, जो पहले हुआ है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, लेकिन जो पहले हुआ है, जो भी जिसने भी गलत किया, आप कोई गलत नहीं होने देंगे। वही बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम कुमाऊं द्वार महोत्सव में पहुंचे। इस दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के लोक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। 11 अप्रैल तक चलने वाले इस कुमाऊं द्वार महोत्सव में उत्तराखंड के स्थानीय लोक कलाकारों के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थानीय लोक कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कराए गए इस कार्यक्रम को लेकर आयोजन समिति को धन्यवाद दिया। साथ ही उत्तराखंडी लोक संस्कृति और लोक कला को आगे ले जा रहे कलाकारों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक कला और लोक संस्कृति को पूरा देश और दुनिया में ले जाने वाले हमारे लोक गायकों को उचित मंच मिले, सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, और हमारी भाषा बोली को देश दुनिया तक ले जाने वाले लोगों का हमेशा सम्मान किया जाएगा। ये आयोजन अपने आप में हमारे लोक कलाकारों को एक बहुत बड़ा मंच प्रदान करता है और उनको अपनी जितने भी हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हमारे कलाकार हैं, हमारे लोक संगीत को आगे बढ़ाने वाले हैं, लोक संगीत करने वाले हैं, उन सभी को एक मंच, एक सभी स्थान इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलता है और उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इन सभी का प्रोत्साहन हो और ये हमारी लोक संस्कृति लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की है और आगे निकट भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन के लिए हम, जिसमें हमारी लोक संस्कृति झलकती हो, हमारे लोक कलाकारों का प्रोत्साहन होता है, हम उनके प्रोत्साहन के लिए हमेशा। सीएम साहब, चुनाव का टाइम नजदीक आ रहा है, चुनाव अपने समय पे होंगे? अब देखिए, जो भी चुनाव आयोग का कैलेंडर होगा उसके अनुसार कार्य। तो अभी के लिए हमारी इस खास खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।